हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अजमेर श्री की तीसरी वीडियो में, पता नहीं तीसरी है चौथी, मुझे आइडिया नहीं है, उसमें आप जो कि आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी तीसरी विजिटिंग प्लेस आना सागर में, वहाँ चल के आप लोगों को आना सागर का व्यू दिखाते हैं। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। हम लोग को आज एक दिन में 3 जगह कवर करनी थी। सुबह 7 बजे हम लोग तारागढ़ गए थे, उसके बाद दूसरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ढाई दिन के झोपड़े में। और तीसरी जगह हम लोग कवर करने जा रहे हैं शाम के 5:30 बजे, जो कि है आपके आना सागर। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दूसरी में। अगर आप लोग अजमेर शरीफ आ रहे हैं, ये सभी जगहों को विजिट करना मत भूलिएगा। और कम से कम 2 से 3 दिन लेकर के आइएगा यहाँ पर घूमने के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग, अब लोग अभी बैटरी रिक्शा में सफ़र कर रहे हैं, बैटरी रिक्शा से जा रहे हैं हम लोग आना सागर के लिए। और आना सागर में जो गाइस रिक्शे का किराया है वो 20 रुपये 25 रुपये पर सवारी पड़ता है। तो आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैटरी रिक्शे में बैठ जाओ, आप किराया पूछ करके ज़रूर बैठना। हमारे सामने आना सागर का मेन गेट, यहाँ पर से आप लोगों को टिकट लेना होता है। टिकट कितने का है वो भी हम लोग आपको लेके बताते हैं। पहले यहाँ का टिकट नहीं पड़ता था, बट अब यहाँ का टिकट पड़ने लगा आना सागर। तो अभी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, आना सागर भी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारे हाथ में 2 टिकट हैं। ये 2 टिकट जो हैं ये 25 रुपये के हैं, इंडियन पड़ते हैं 25 रुपये, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए शायद 100 रुपये के लगभग पड़ते हैं। तो अभी हम लोग आना सागर में आ चुके हैं, यहाँ का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं आना सागर झील के अंदर। काफ़ी ज़्यादा खुशगवार मौसम है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। शाम के 5:30 बजे रहे हैं, बादल भी आ गए हैं, तो धूप जो है वो चली गई है और ठंडा ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। आना सागर लेक से जो ठंडी ठंडी हवा लेक से होती हुई आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और हमारे दिल को लुभाने वाली है। तो अगर आप अजमेर शरीफ आ रहे हैं तो आना सागर ज़रूर विज़िट करिएगा। यहाँ पर दौलत बाग इसको बोला जाता था, ये जो आप पार्क देख रहे हो दोस्तों, इसको दौलत बाग बोला जाता था। अब इसे सुभाष पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे देख सकते हो आप लोग, इसे भी शाहजहां ने ही बनवाया था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो अभी हम लोग नीचे नहीं जाने वाले हैं, आप लोग इसका नज़ारा यहीं से ले लो। और ये देखो यहाँ पर पेड़ पर कैसे पक्षी बैठे हुए हैं। ये जो आप लोग सामने देख रहे हो इसे बारादरी बोलते हैं, इसे भी शाहजहां ने बनवाया था। ये यहाँ पर 5 बने हुए हैं, एक यहाँ पर है, 2 वहाँ पर हैं, 1, 2, 3 और 2 वहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर टोटल 5 हैं। और इसे धूप से बचने के लिए शाहजहां ने बनवाया था। और इसमें सब संगमरमर के पत्थर का यूज़ किया गया है। गाइस ये देखो, यहाँ पर बारादरी में सब संगमरमर के पत्थरों का यूज़ किया गया है। उस टाइम पर जो भी बिल्डिंग्स या इमारत या जो कुछ भी बनाया जाता था, इमामबाड़ा जो कुछ भी बनाया जाता था, उस सब में संगमरमर के पत्थरों का यूज़ किया जाता था। इससे क्या होता था गाइस कि ज़्यादा गर्म में भी, अधिक गर्म में भी ये पत्थर जो है ठंडाते हैं। तो ये उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ठंडाते थे और आज भी ये ठंडा रहे हैं। आज भी जैसे उस टाइम पर बनाए गए थे, आज भी ये वैसे ही के वैसे रखे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे। यहाँ पर बारादरी नाम की ये टोटल 5 बनी हुई हैं, 5 दरिया बनी हुई हैं, जिसमें से एक में हम लोग हैं। ये देखो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं ये। यहाँ से गाइस आना सागर का आप लुत्फ ले सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। चलो आपको बारादरी के अंदर ले आते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा बारादरी के अंदर ये रूम टाइप का बना हुआ है, ये देखो आप लोग पीछे। ओहो, यहाँ पर मोहब्बत की निशानियाँ भी, ये देखिए सखी और सखा, वाह क्या बात है। एक और है यहाँ पर अजीम लव रोहिणी, और देखते हैं इसी तरह से। ये देखिए गाइस, सादिक लव शहनाज को शहनाज लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है लियाकत, तबस्सुम, वाइजे और तौहीद, सब ने यहाँ पर अपनी मोहब्बतों को जाहिर किया हुआ है। तो हम क्या लिखे यहाँ पर, हमारे लिखने के लिए तो कोई नाम ही नहीं है गाइस। मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्कवर इंडिया विद मी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। गाइस आना सागर लेक वही लेक है जिसके बारे में लोगों का मानना, लोगों की आस्था ये कि ख्वाजा गिदवान ने इसे अपने एक कासे में यानी कि एक कटोरे में पूरा समा लिया था। इस लेक को आप लोग देखो, तो इसी लेक के बारे में मानना जाता है ये कि गरीब नवाज ने अपने कासे में यानी कि प्याले में, जब उनके लिए पानी बंद कर दिया तो उन्होंने अपने कासे में पूरे आना सागर को उसमें समा लिया था।
ये बहुत ही मशहूर वाक्य है, आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा अगर आप सुनना चाहो तो। काफ़ी ज़्यादा खुशहाली वाला, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर लगता है आप लोगों को आ करके। गैस ये आना सागर लेक का कुछ शानदार खूबसूरत व्यू है यहाँ पर, देखो आप लोग। वहाँ पर जो है वो बोटिंग एरिया है, वहाँ से आप लोग बोटिंग करके जा सकते हो। वहाँ पर बीच में टापू बना हुआ है, उस टापू पर जा सकते हो और पूरे लेक का भी चक्कर ले सकते हो वहाँ पर से। आज हम लोग वहाँ पर जाने वाले नहीं हैं, पहले हम लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन आज जाने वाले नहीं हैं। अगर आप लोगों का मूड हो तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग आइलैंड को यानी कि टापू को देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, मैं पिछली बार जब आया था तब गया था। यहाँ पर ये जो बोट है यहाँ से आप लोगों को वहाँ पर ले जाएंगी। तो इन बोट्स, ये जो बोट्स हैं इनका किराया अलग अलग है, किसी का 50 रुपये में स्टार्टिंग है और जो अच्छी वाली बोट है जो फास्ट चलती है उसका किराया ज़्यादा है। और उसके बाद वहाँ पर वो पहाड़ आप लोग देख रहे हो, पुष्कर के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के पीछे आप लोग जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को पुष्कर देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं तो घूम के थोड़ा थक गया, तो अभी नीचे की गोद में आके मैं बैठ चुका हूँ। यहाँ पर जहाँ बैठे हुए हैं ये है दौलत बाग। तो अभी शुरू से शुरुआत करते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो टिकट लेके 25 रुपये का टिकट लेके जब आप इंटर करोगे आनंद सागर में, सबसे पहले जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो दौलत बाग देखने को मिलेगा। अब इसे सुभाष बाग बोला जाता है, जहांगीर ने बनवाया था। तो शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खुशनुमा माहौल होता है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है आनंद सागर में और बहुत अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप लोग कभी भी यहाँ पर अजमेर शरीफ में आएंगे तो आनंद सागर को ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और इस बाग में काफ़ी ज़्यादा नेचर का ख्याल रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हरियाली है, क्योंकि मुझे भी हरियाली बहुत पसंद है, एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है। और हो भी क्यों ना, देखो गाइस यही अपनी दुनिया को बचा रखा है जो कुछ भी है अब, क्योंकि हम लोगों ने तो देश को पूरी तरह से समझ लो दुनिया को पॉल्यूशित कर दिया है, तो हम लोगों को एनवायरनमेंट सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का आनंद सागर का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।